हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुधाज लाइफस्टाइल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी एंड यम्मी स्नैक रेसिपी जो बनने वाली है लेफ्ट ओवर दाल के साथ। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी घर में खाना बनता है तो थोड़ी बहुत दाल बची जाती है जिसे कोई दोबारा खाना पसंद नहीं करता। तो चलिए उसी लेफ्ट ओवर दाल को थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स देकर बनाते हैं एक बहुत ही यूनिक सी यम्मी रेसिपी जो घर में छोटों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, उसमें रखेंगे एक पैन और फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। अब घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा और बारीक कटी हुई दो हरी मिर्चें और ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब इसमें ऐड करना है 1/2 कप सत्तू। सत्तू को भी हमें लो फ्लेम पर अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। ये देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है और अब इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लेफ्ट ओवर दाल। इन दोनों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स करके फिर से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है जब तक इसमें अच्छी बाइंडिंग ना आ जाए। और अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा भुना सत्तू और ऐड कर सकते हैं और इसकी बाइंडिंग को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर। अब इन्हें अच्छे से एक मिक्स दे दें और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है तो इसको अब हम एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद उसे एक रेक्टेंगुलर शेप दे करके थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश करेंगे और थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करके जेंटली पैट करके इसको एक साइड कर देंगे। तो अब नेक्स्ट तैयारी करते हैं इसके डो की। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। इन सबको आपस में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। घी को भी आपस में अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। देखिए यहाँ पे हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा तेल का हाथ लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट जो हमने अपनी फिलिंग तैयार की थी इसको हम छोटे छोटे स्क्वायर की शेप्स में कट कर लेंगे। स्टफिंग रेडी करने के बाद अब हम डो में से छोटी छोटी बॉल्स कट कर लेंगे और उसके बाद हम एक पतली सी रोटी तैयार करेंगे। रोटी बनने के बाद हम इसके चारों कॉर्नर्स को इस तरीके से कट कर लेंगे और एक स्क्वायर शेप की रोटी तैयार करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्टफिंग। स्टफिंग को ऐड करते समय हम इसको हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और इसके बाद हम इसके चारों कॉर्नर्स को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बिना पानी के या फिर बिना किसी पेस्ट के सारे पफ्स तैयार करे हैं क्योंकि ये आटे के बने हैं, बट अगर आप मैदे का बनाएंगे तो आपको पानी या पेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। ये देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पर सारे पफ्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए दोनों साइड इनको अच्छे से फ्राई होने देना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इनकी जो अंदर की लेयर्स है वो अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये थी आज की रेसिपी एंड आई होप कि आप सभी को आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगी होगी। एंड इफ यू रियली लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।